अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। क्लास टू स्लॉट थ्री, सब्जेक्ट्स आर उर्दू, इस्लामियात एंड मैथमेटिक्स। जमात दोम, मजमून उर्दू, स्लॉट नंबर तीन, सबक नंबर तीन, सूरज अल्लाह की नेमत है, उर्दू बे, सफ़ा नंबर 38-39। सबक नंबर तीन, सूरज अल्लाह की नेमत। जी बच्चों, अब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। जी, उमेर के अब्बा जान का मंडी में फलों का कारोबार है। एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की टोकरी लेते आए। टोकरी खुलते ही कमरे में सुर्ख और सुनहरी सेबों की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। भीनी भीनी का मतलब मीठी मीठी, भीनी भीनी खुशबू फैल गई। उमेर और आयशा इन खुशबूदार सेबों को दिलचस्पी से देख रहे थे। दिलचस्पी का मतलब शौक। आयशा बोली, कैसे सुर्ख सुनहरी और खुशबूदार सेब हैं। अब्बा जान बोले, बच्चों तुमने कभी सोचा कि फलों में ये खुशबू, रंग और मज़ा सूरज की गर्मी से है? हाँ, फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में भी खुशबू, रंग और जायका सूरज की गर्मी से है। अनाज का मतलब दालें, चावल वगैरह। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है, अहम ज़रूरी है। जी, तमाम जानदारों की ज़िंदगी सूरज ही की वजह से है। ज़मीन को सूरज की गर्मी ना मिलती तो हमारी ज़मीन बेरंग और फीकी होती। उमेर ने पूछा, अब्बा जान सूरज के और क्या फ़ायदे हैं? अब्बा जान मुस्कुरा कर बोले, बेटा सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत है। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, गर्मी, सर्दी, खजां, बहार, बारिश, आंधी और तूफ़ान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो पानी के ज़खीरों में इजाफा होता है। ज़खीरों यानी कि जो जमा शुदा पानी है डैम्स में या नहरों वगैरह में। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, इससे बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। ये बारिशें इन ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं। सैराब का मतलब यानी कि उनको पानी दिया जाता है, इन ज़मीनों को और खेतों को, जहाँ सिर्फ बारिश के पानी ही से काश्त हो सकती है। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। काम काज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में काम ज़्यादा और आसानी से होता है। दिन की रोशनी में हम सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उमेर ने पूछा, अब्बा जान सूरज की बनावट कैसी है, यानी उसकी साख्त कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है? अब्बा जान बोले, बेटा सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। सूरज की सतह ज़मीन की सतह की तरह नहीं। सूरज तो रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुर्रा है। इसमें तेज़ रोशनी के साथ गैसें भी होती हैं। उमेर, शुक्रिया अब्बा जान, आपने आज हमें सूरज के बारे में बहुत मुफीद बातें बताई हैं। मुफीद फ़ायदेमंद। सवाल नंबर दो, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर एक, उमेर के अब्बा जान मंडी में कारोबार करते हैं। जी, यहाँ पर बच्चों आपको चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं। सो हम राइट ऑप्शन पे जाएंगे। नंबर ऑप्शन बे, फलों का। लाइन नंबर
टू, उमेर और आयशा दिलचस्पी से देख रहे थे। जी, दुरुस्त जवाब है सेबों को। लाइन नंबर तीन, रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती जरिया है, इसका जवाब है सूरज। लाइन नंबर चार, सूरज के इतने फायदे हैं कि हम इन्हें गिन नहीं सकते, दुरुस्त जवाब है गिन नहीं सकते। सूरज रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा है। जी, इसका जवाब है कुर्रा। सो हम जीम के ऊपर टिक करेंगे। सवाल नंबर तीन, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर एक, बारिशें ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं। जी, इसका जवाब है टिक, दुरुस्त जवाब। नंबर दो, सूरज की हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, क्रॉस, गलत है ये। नंबर तीन, सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है, जी हाँ, दुरुस्त, टिक का निशान लगाएंगे। नंबर चार, सूरज आग का गोला नहीं है, क्रॉस। सवाल नंबर चार, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। नंबर एक, सेबों की भीनी भीनी डैश फैल गई, जी खाली जगह पर हम लिखेंगे खुशबू फैल गई। नंबर दो, सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा डैश है, यहाँ पर आएगा अहम, सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है। नंबर तीन, सूरज की सतह ज़मीन की सतह की तरह नहीं है। नंबर चार, सूरज से जानदारों की ज़िंदगी डैश है, जी यहाँ पर आएगा आसान। नंबर पाँच, सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है। सवाल नंबर छः, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। आपको यहाँ पर दो तरह के कॉलम नज़र आ रहे हैं, हमने कॉलम अलिफ को रेलिवेंट कॉलम के साथ मैच करना है, मिलाना है। जी, कॉलम अलिफ, फलों में खुशबू और जायका सूरज की गर्मी से है। नंबर दो, काम काज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है, सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। सवाल नंबर आठ, मदरजा ज़ेल अल्फाज में से कलमा और महमल को अलग अलग करें। जी, कलमा होता है जिसके कोई मायनी हो, और महमल वो लफ्ज़ होता है जिसके कोई मायनी ना हो। जी, कलमा, काम वाम, काम कलमा है और महमल वाम है, क्योंकि वाम लफ्ज़ का कोई मायनी नहीं होता, इसलिए महमल वाम है इसमें। बात वात, इसमें बात कलमा है और वात महमल है। खाना वाना, खाना कलमा है और वाना महमल है। सबक नंबर तीन, सूरज अल्लाह की नेमत, इमला के अल्फाज। जी, यहाँ पर आपको ये लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये इमला के लफ्ज़ हैं, हमने ऊपर से देख के इन अल्फाज को इसी तरह से नीचे लिखना है। सेबों, खुशबूदार, पिघलती, गैसें, और आखिर वाला लफ्ज़ है सतह। मदरजा ज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, मुतरादिफ का मतलब है मायनी, अल्फाज मायनी। भीनी भीनी, मीठी मीठी। दिलचस्पी, शौक, काश्त, फसल बोना। बनावट, साख्त, जुमले बनाएं। सूरज, सूरज रोशनी का जरिया है। गोला, सरहद पर गोलाबारी हुई। खुशबू, मुझे गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है। सतह, पहाड़ों की सतह हमवार नहीं होती। जायका, आम एक खुश जायका फल है। सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर एक है, फलों में खुशबू और रंगत कैसे आती है। जी, इसका जवाब है, फलों में खुशबू और रंगत सूरज की गर्मी से आती है। सवाल नंबर दो, सूरज की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और खूबसूरत है। सवाल नंबर तीन, सूरज की बनावट कैसी है। इसका जवाब है, सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। सवाल नंबर चार, सूरज की रोशनी और काम काज का आपस में क्या ताल्लुक है। इसका जवाब है, सूरज की रोशनी से काम जल्दी और आसानी से होता है। अगला सवाल है, सूरज की हरारत से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है।
इसका जवाब है, सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है जिससे बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। सूरज से हासिल होने वाले तीन फवाइद लिखें। नंबर एक, पहाड़ों की बर्फ पिघलती है। नंबर दो, पानी भाप बनता है। नंबर तीन, फलों में रंगत और खुशबू पैदा होती है। जी अगला सवाल है, सोचें अगर सूरज ना होता तो क्या होता। जी इसका जवाब है, अगर सूरज ना होता तो हर तरफ अंधेरा छाया रहता, चांद भी रोशन ना होता, दिन रात भी तब्दील ना होते, चारों मौसम ना होते और ना ही सब्जियां और फल पकते। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन सड़कों पर ज़्यादा दरख्त होते हैं वो सूरज की गर्मी के बावजूद भी निस्बतन ठंडी होती हैं, ऐसा क्यों होता है? सोचें और लिखें। जी इसका जवाब है, क्योंकि दरख्त साया फ्राहम करते हैं, यही वजह है कि सड़कें निस्बतन ठंडी होती हैं। मदरजा ज़ेल मुज़क्कर मौनस लिखें। जी मुज़क्कर मौनस, पहला लफ्ज़ है बैल, बैल का मौनस होगा गाय, दादा दादी, मर्द औरत, बकरा बकरी, बच्चा बच्ची, अब्बू अम्मी, भाई बहन, नाग नागन, राजा रानी, वालिद वालदा। जी दूसरा सवाल है, दिए गए जुमलों में मुज़क्कर के मौनस लगाकर जुमले मुकम्मल करें। जी राजा और डैश बाग में थे, राजा का मौनस हमने लिखना है। जी राजा का मौनस होगा रानी, मेरे अब्बू और अब्बू का मौनस होगा अम्मी, मेरे अब्बू और अम्मी बाजार गए, तमाम मर्द और औरतें कमरे में बैठे थे, दादा और दादी ने नमाज पढ़ी, मुर्गा और मुर्गी दाना चुग कर चले गए, बंदर और बंदरिया चिड़िया घर में थे, बादशाह और मलका ने इनाम दिए। कल चचा और डैश घर आए, चचा का मौनस चची, कल चचा और चची घर आए, कबूतर और कबूतरी, कबूतर का मौनस होगा कबूतरी, बहुत प्यारे हैं, मेरे वालिद और वालदा कराची गए हैं। जी अगला सवाल है, दिए गए मुज़क्कर अल्फाज को उनके मौनस अल्फाज से मिलाएं। जी बूढ़ा बूढ़िया, बूढ़ा को बूढ़िया के साथ मैच कर दें, नाग नागन, खालू खाला, ससुर सास, वालिद वालदा, मरीज मरीजा, माली मालन, हाजी हाजन, बादशाह मलका। जमात दोम, मजमून इस्लामियात, स्लॉट नंबर 3, सबक नंबर 5, कुरान मजीद, सरगर्मी नंबर 1, सवाल जवाब 1-5, सबक नंबर 8, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, सरगर्मी नंबर 1, सवाल जवाब 1-3, सबक नंबर 5, कुरान मजीद। जी अब हम इस सबक की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्लाह की किताब कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल नाजिल हुआ। कुरान के लफ्ज़ का मतलब है बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि दुनिया का हर इंसान कुरान की रहनुमाई का मोहताज है। मोहताज का मतलब ज़रूरतमंद और रहनुमाई का मतलब रास्ता दिखाना बताना।
कुरानी मालूमात। नंबर एक, कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। नंबर दो, कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे। नंबर तीन, पहली दफ़ा जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और रमज़ान का महीना था। सबसे पहले सूरह अलक की 5 आयात नाजिल हुई। कुरान मजीद के 540 रुकू हैं। कुरान की सूरतों की तादाद 114 है। कुरान के 30 पारे हैं। कुरान मजीद का सबसे छोटा टुकड़ा आयत कहलाता है। कुरान मजीद के आदाब। कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू और नापाक हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। कुरान मजीद को ऐसी जगह जो नापाक हो वहाँ नहीं रखना चाहिए। कुरान मजीद के अल्फाज को बोलते और पढ़ते वक़्त दुरुस्त अंदाज़ में अदा करना चाहिए। कुरान मजीद के औराक और सफ़ों को फाड़ना नहीं चाहिए, और अगर गलती से कुरान का कोई वर्क या सफ़ा फट जाए तो उसे अदब से ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पाँव के नीचे ना आए। कुरान पढ़ते हुए आयत के मुकम्मल होने पर ठहरना चाहिए। कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी और तेज़ से पढ़ना अच्छी बात नहीं है। सरगर्मी नंबर दो, कुरान मजीद से देखकर पहली 5 सूरतों के नाम खाली जगह पर लिखें। जी, हम पहली 5 सूरतों के नाम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। पहली सूरह फातिहा, नंबर दो सूरतुल बकरा, नंबर तीन सूरत आले इमरान, नंबर चार सूरतुन निसा, नंबर पाँच सूरतुल माईदा। सरगर्मी नंबर तीन, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी के 2 ऑप्शन गलत है। हम दुरुस्त ऑप्शन पर टिक का निशान लगाएंगे। जी, पहला है कुरान मजीद नाजिल हुआ, इसका दुरुस्त जवाब है 23 साल के अरसे में। नंबर दो, कुरान मजीद की रहनुमाई का मोहताज है, इसका दुरुस्त ऑप्शन है दुनिया का हर मुसलमान। नंबर तीन, कुरान मजीद के रकू हैं। जी, कुरान मजीद में कितने रुकू हैं? 540। नंबर चार, कुरान मजीद पढ़ते हुए ठहरना चाहिए, इसका दुरुस्त जवाब है आयत के मुकम्मल होने पर। सरगर्मी नंबर 4, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। या आपको कुछ लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इनकी मदद से हमने ये नीचे खाली जगह को पूर करना है। पहला लफ्ज़ है 30, गारे हिरा, कुरान, रमज़ान। नंबर एक, कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, यहाँ पर हम रमज़ान लिखेंगे। नंबर दो, दुनिया का हर इंसान कुरान की रहनुमाई का मोहताज है। नंबर तीन, पहली बार जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। नंबर चार, कुरान मजीद के 30 पारे हैं। सबक नंबर 8, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। सरगर्मी नंबर 1, सवाल जवाब 1-3। जी, ये काम हम नोटबुक पर करेंगे। सवाल नंबर 1, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा? इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। सवाल नंबर 2 है, हज़रत अबू तालिब का
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू से क्या रिश्ता था? इसका जवाब है, हज़रत अबू तालिब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू के भाई थे। सवाल नंबर 3 है, अरब में बच्चों को परवरिश के लिए गांव क्यों भेजा जाता था? इसका जवाब है, ताकि बच्चे साफ सुथरी आबो हवा में परवरिश पा सकें। क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ्स स्लॉट नंबर 3 काउंटडाउन पेज नंबर 22 32। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, एज यू नो दैट असेंडिंग मीन स्मॉलर टू ग्रेटर एंड डिसेंडिंग मीन greater to smaller. So help tiger put this number in ascending order. पहले हम ascending order में जा रहे हैं जी। आपको कुछ यहाँ पर circle में कुछ numbers नज़र आ रहे हैं। Number हैं 431, 849, 871, 900, 624, and 573। और नीचे जो लाइन है, हम उस लाइन पे इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा नंबर इस सर्कल में है 431, एंड देन वी राइट 573, एंड देन 624, एंड देन वी राइट हियर 849, 871, and in the last we write 900, because 900 is the greater number in this circle. Question number B. So we write here 687, because 687 is the smaller number in this circle. So first of all we write 687, and then 692, 729, then 748, then 750, and in the last we write 901, because it is the greatest number in this circle. C, we write 329, and then 338, 420, 571, and then we write 600, and in the end we write the greater number, which is 710. D, first of all we write the smaller number in this circle, which is 809, and then 890, and then 908, 980, 997, 998. E, yes, we write first of all 599, 621, 624, 629, 738, 783. Question number F, 139, 146, 164, 193, 379, 397. The greatest number on this page. Students, now look at the page. Which is the greatest number of this page? Yes, it is 998. So we write here 998. The smallest number on this page. And which is the smallest number on this page? Observe this page. Yes, it is 139. So we write here 139. Now help the tiger put these numbers in descending order. Student, what does descending mean? Okay, I am telling you, descending mean greater to smaller. Ji. Question number 1. We write the bigger number of this question. Yes, it is 950. Then we write 841.
वन, देन 749, 642, 624, एंड इन द एंड वी राइट 590. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 864, 790, 684, 542, 531, एंड 513. ए, क्वेश्चन नंबर ए. नाउ द बिगर नंबर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 281. नाउ 248, 232, 223, 218, एंड 110. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस ट्राइंगल. यस, इट इज 969, 854, 796, 769, 754, and in the end we write 699. The next question is 914, 491, 482, 419, 399, and 194. And the last question is, yes, we observe the greatest number of this question. Yes, it is 849. So we write first of all the 849 because it is the bigger number. Then we write 742, 740, 656, 407, and in the last we write 247 because it is the smallest number in this question. Page number 22, write in hundreds, tens and ones. Student, you can see that 351. We separate 100, tens and ones in this figure. So here is three value is hundreds and five value is tens and one value is one. So we write 300s, five tens and one ones. Question number 2, 693. Six value is 100, so we write 600s, 9 tens and 3 ones. 409, so we write 400, 0 tens and 9 ones. In the last we write 900, 8 tens and 4 ones. Question number 2, what numbers does the abacus show? You can see the abacus in this question, and you can you see the grid. In 100 grid you have to see the two beads, and in 10 grid you have to see five beads, and in ones grid you see three beads. So we write here 253, and in the next question we write 628, next question 406, and in the last we write 185. Question number 3, write the numbers that are 688 and 695. Student, we have to write counting from 688 to 695. हम यहाँ पे ये counting लिखने के लिए जा रहे हैं जी. 689, 690, 691, 692, 693 and 694. Second question is 800 and 790. As you know that 800 is bigger number than 790, so we write backward counting here. हम यहाँ पर उल्टी गिनती लिखेंगे. 799, 798, 797, 795, 794, 793, 792, and in the end we write 791. Next question is 554 and 547. जी, now we write 553, 552, 551, 550, 549 and 548. Question number 4, write greater or smaller in the boxes. You know this is a symbol of greater or less than. So we put the sign towards the greater number. 496,
greater than 492. So we put the symbol towards 496. B, 638 is greater than 599. So we put the symbol towards 638. C, 237 is bigger than 231. 531 is bigger than 351. So put the symbol 531. Now we put the symbol towards 190 because 190 is bigger than 109. So in the last 496, we put the symbol towards 496. Question number 5. Write the number name 209. Students, we write this figure in spelling 209. Next question is 671. 840. Question number 6. Write the number 362. We write this statement in number 362. 507, 420. Question number 7. Write in numbers 200s, 6 10s, and 4 1s. Student, हम इन इस figures को यहाँ पर आगे number में लिखेंगे. 264, 999, 430, 508, 701, 352. Question number 8. What number does the abacus show? Yes, here you can see the grid 100, 10 or 1s. We count the bead and write below the grid 419, 280, 706, 548. Question number 9. Page number 24. Write greater or smaller in the empty boxes. So we put the sign towards the greatest number. You can see here 492 and 381. 492 is greater, so we put the sign towards 492. Now we put the sign towards 291. 673 is greater, so we put the sign towards 673. 829 and 928. You know, 928 is greater, so we put the sign towards 928. E, we put the sign towards 363. F, we put the sign towards 169. Question number 10. The triple centuries scored by cricketers over the years are 322, 354, 318, 347, 368, 381, 392, and 307. You have to write this number in ascending order. Ascending means smaller to greater. So we arrange this number as ascending order. We write 307, 318, 322, 347, 354, 368, 381, and in the last we write 392. Question number B. Now write these in descending order. Now we arrange these numbers in descending order. Descending order mean greater to smaller. So we find the greatest number in this grid. Greatest number is 392. Then we write 381, 368, 354, 347, 322, 318, and in the last we write 307. Question number 11. Write the number that comes before. Before ka matlab pehle. Pehle aane wale number. Ji. Here you can see 362. And which number comes before 362? Yes, it is 361. 416, 737, 118, 248. B, after. After ka matlab hai baad wala number. Plus 1. Before,
माइनस वन एंड आफ्टर प्लस वन, बाद वाला जी। वी राइट हेयर 338, 337 के बाद अगला फिगर क्या आएगा, 338, 565, सो वी राइट हेयर 566, 274 वी राइट आफ्टर इट 275, नेक्स्ट इज 485 एंड लास्ट इज 363। बिटवीन, बिटवीन का मतलब दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान जी। 592 एंड 594 एंड द बिटवीन कॉलम इज एम्प्टी, सो वी राइट इन द बिटवीन कॉलम 593, 156 एंड नाउ वी राइट 157। नेक्स्ट इज 853, सो वी राइट इन द नेक्स्ट कॉलम 854, 327 वी राइट इन द नेक्स्ट कॉलम 328, 118 सो वी राइट इन द नेक्स्ट कॉलम 119। काउंट ऑन पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दीज सम्स। स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर द क्वेश्चंस of add, addition mean plus, add करना, so 1 and 3 it will be 4 and 8 and 1 it will be 9, so it is 94, the next is 74 and the next 88 and the last 79. Question number E, 75, 99, 84 and 87. Question number 2, write the sum in the box and find the answer. स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट के साथ हैं, आपने ये पढ़ना है, पढ़ के इसमें जो नंबर्स हैं वो आपने सामने राइट करने हैं और उसको ऐड करना है, उन नंबर्स को प्लस करना है जी। इन अ क्रिकेट मैच शाहिद मेड 53 रन्स, मोइज मेड 41 रन्स, हाउ मैनी रन्स डिड दे मेक ऑल टुगेदर। यस वी राइट फर्स्ट 53 एंड बिलो वी राइट 41 एंड वी प्लस दिस नंबर्स एंड इट विल बिकम 94। क्वेश्चन नंबर बी, आयशा काउंट्स 24 बीड्स इन वन नेकलेस एंड 62 बीड्स इन अनदर, हाउ मैनी बीड्स आर देयर ऑल टुगेदर। सो वी अरेंज दिस नंबर 62 एंड 24 एंड एड दिस नंबर एंड इट विल बी 86। सी In Afshan's house, there are 15 dogs and 12 cats. How many animals are there altogether? 15 and 12. We add these both of number and it will be 27. To the given sums, be careful with your columns. Yes, here you can see the tens or ones. This is the addition sum. प्लस सम्स आपने इनको प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। 7 एंड 3 इट विल बी 10, 5 एंड 5 10, 4 एंड 6 10, 9 एंड 1 10। यू कैन सी द रिटन क्वेश्चन ऑन दिस पेज, ओके, डू योर सेल्फ। कंप्लीट द फॉलोइंग, यस दिस इज ऑल्सो द सम्स क्वेश्चंस। So 8 and 4, we add 4 in 8 numbers, it will be 12. The next is 15 and the next 13 and the D question is 14, 12, 11, 16 and 11. Countdown, page number 28, question number A. Student, here you can see the block. This block is represent as 10. So here you can see the 110 and you can see the objects. We count these objects and write below the objects. We count these objects, these are 11 ones, 110 and 11 ones. And in the second picture you can see the 210 blocks, so we write 2 tens and 1 1 and it will be 21. Now B, 110 and 61, 2 tens and 6 ones, it will be 26. C,
two tens and 14 ones. And the second picture, it is 3 tens and 4 ones. It will be 34. 4 tens and 12 ones. And in the second picture, it is 5 tens and 2 ones. It will be 52. Question number 4, which is the biggest group? Student, observe this page and which is the greatest number of this page? Yes, it is 52. Question number 5, which is the smallest group? Observe this page and which is the smallest number of this page? Yes, it is 22. You write here 21. Countdown page number 30, add. Student, these are the sums of add. So we add these numbers. 6 and 6, it will be 12. So we write here 2 and 1. 1 we write above the 2. 2 and 1, when we add 2 in 1, it will be 3. So we write here 32. In the next question, 42. Option number C, 63. Question number D, 71. Student, now you can see the solved questions. So, look these questions and do by yourself. Add. Again, these are the add questions. 8 and 8, it is 16. So, we write the 6 under the 8 and 8. And 1, we write above the 2. 5, now we add 5 and 2, it will be 7 and 1, 8, it is 86. So we write here the 86. And question number B, 79. Question number C, 91. Question number D, 82. Question number E, the answer is 95. Question number F, answer of this question is 70, G 85 and H 89. Question number 9, write the sums in the box and find the answer. Question number A, Maha plants 25 trees, Aisha plants 18 more. How many trees do they plant together? So we arrange this number and add the numbers. 5 and 8, it will be 13. So we write 3 and 1, we write on the above the 2. So now we add 1, 2 and 1, it will be 4. So we write here the 4, it will be 43. The second question is 41 and the third answer is 42. Countdown page number 32. Pick a number from the above given number to the edit to get the answer. One has been done for you. Student, here you can see the different numbers. So we choose the number and put it in the empty blocks and complete the question. 22 plus blank is equal to 47. जी. 22 में हम क्या add करेंगे? तो 47 आंसर आएगा जी. हम यहाँ पर राइट करेंगे 22 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो वो आंसर विल बी 47. एंड द बी, 70 में हम क्या ऐड करेंगे जिसके बाद आंसर 145 आएगा जी. 70 में हम 75 ऐड करेंगे जिसके बाद उसका आंसर 145 हो जाएगा जी. क्वेश्चन नंबर सी, 10 प्लस 80 इज इक्वल टू 90. 80 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 90. 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110. 24 प्लस 31 इज इक्वल टू 55. 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22. 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 100. 12 plus 70 is equal to 82. 12 plus 13 is equal to 25. 19 plus 82 is equal to 101. 30 plus 31
इज इक्वल टू 61, 75 प्लस 10 इज इक्वल टू 85, 5 प्लस 80 इज इक्वल टू 85, 70 प्लस 25, 70 में हम 25 ऐड करेंगे तो 95 बन जाएगा, 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27 एंड 5 प्लस 22 इज इक्वल टू 27. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. अल्लाह हाफिज़.